एक पत्नी 17 साल के नाबालिग लड़के के साथ बना रही थी शारीरिक संबंध, और दोस्तों कुछ ऐसा घट जाता है कि उस 17 साल के लड़के की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या जरूरत आन पड़ी थी उस औरत को 17 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की, और उस लड़के की मौत कैसे हो जाती है, इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है बिहार के माधेपुरा गांव की। बिहार के माधेपुरा गांव में एक नीतीश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 25 साल, और दोस्तों आज से 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है कामिनी। और जो नीतीश कुमार है वह मजदूर है, पेशे से मजदूरी करने के लिए जाता है और अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण किया करता है। उसकी पत्नी को अभी कोई बच्चा नहीं है। दोस्तों वह मजदूरी करने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी जो कामनी है वह घर पर अकेली रहा करती है। तो जैसे ही वह अकेली रहा करती है तो पड़ोस का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सूरज और उसकी उम्र होती है 17 साल। वह उस सूरज से कुछ घर का सामान मंगवा लिया करती है। दोस्तों अब धीरे धीरे सूरज का उसके घर में आना जाना कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बात बात पर अब कामनी सूरज को बुला लिया करती है और उससे सामान मंगवाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा था और नीतीश को भी यह बात पता थी, लेकिन नीतीश को यह पता नहीं था कि जिस सूरज को यह बुलाती है इस सूरज के और इसके बीच में अवैध संबंध बन रहे हैं। नीतीश तो यही जानता था कि बच्चा है और उसको बुला लिया करती है तो काम वाम करवाने के लिए, तो बात ऐसे ही चल रही थी। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है, नीतीश जब अपनी मजदूरी करके शाम को घर पर आता है, चाहे वो रात को 8 बजे ही क्यों ना आए या 7 बजे क्यों ना आए, लेकिन फिर भी उसको उसकी पत्नी के पास जो सूरज होता है वह बात करता हुआ मिलता है और दोनों ही मुंह फार फार कर जोर जोर से हंसते हुए उसको मिलते हैं। पहले तो नीतीश इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता है इन बातों की तरफ, लेकिन धीरे धीरे जब लगातार उसको अपने घर में सूरज अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ दिखाई देने लगता है तो उसके मन में एक शक पैदा हो जाता है। उसको लगता है कि आखिर इस सूरज को क्या पड़ी है जो ये मेरे घर पर ही बैठा रहता है, जब भी देखो ये मेरे घर पर बैठा रहता है। तो दोस्तों वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वह इस बात का इंतज़ार करता रहता है कि आखिर मुझे पता चलना चाहिए इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। दोस्तों इसी तरह से वह एक दिन मजदूरी से जल्दी आ जाता है। वह आकर के उन दोनों को कमरे के अंदर आपत्तिजनक परिस्थिति में देख लेता है। इस बात को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन दोस्तों वह अपनी पत्नी से और ना ही उस लड़के से कुछ कहता है, क्योंकि वह खिड़की से चुपचाप उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलते हुए देखता है। लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका धैर्य टूट जाता है, धैर्य का बांध टूट जाता है और वह सूरज को मिलने के लिए बाहर बुलाता है गली में, और बाहर जा कर के वह सूरज से बात करता है और सूरज से कहता है कि तुम जो ये कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम हमारे घर मत आया करो, मेरा घर बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों सूरज कहाँ मानने वाला था, उसको तो प्यार के पंख लगे हुए थे, उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसने तो ऐसा सोचा कि किसी ने मुझसे कहा ही नहीं है कुछ भी। दोस्तों उसके बाद जो नीतीश होता है वह यह समझता है कि शायद सूरज अब मान जाएगा, लेकिन सूरज कहाँ मानने वाला था। कुछ समय और गुजरता है, नीतीश अपने काम पर जाया करता है और पीछे से सूरज फिर भी उसके साथ उसकी पत्नी के पास आकर बैठ जाया करता है। दोस्तों नीतीश कुमार उनको फिर से देख लेता है और अब नीतीश कुमार का सब्र का बांध टूट जाता है। तंत्र मंत्र की भाषा, भारत के जाने माने गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। अब वहां पर उसी इलाके में दसवीं का मेला लगा हुआ था और उस मेले के बाद सुबह जब देखते हैं तो वहां पर रास्ते में एक लाश पड़ी हुई थी जो कि सूरज की थी। गांव वाले यह देखकर परेशान हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस सूरज की कॉल डिटेल चेक करती है। दोस्तों पुलिस को जानकारी मिलती है कि सूरज के पास लास्ट बार नीतीश ने कॉल की थी
और अब पुलिस को नीतीश के ऊपर पूरा शक हो जाता है। नीतीश से पूछताछ करने के लिए नीतीश को बुला लेती है। नीतीश से सख्ताई से पूछताछ की जाती है। पहले तो नीतीश कुछ बताता नहीं है, लेकिन जैसे ही सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो नीतीश अपना मुंह खोल देता है कि मैंने ही सूरज को मौत के घाट उतारा है। पुलिस कहती है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया, इतना घिनौना काम। तो दोस्तों नीतीश कहता है कि घिनौना काम तो ये मेरे साथ कर रहा था, मेरी पत्नी से छुप छुप कर मिला करता था और मैंने इसे मना भी कर दिया था कि भाई तू ऐसा मत कर, लेकिन ये मानने वाला ही नहीं था। और उस दिन रात को जब हमारे यहाँ पर दसवीं का मेला था, मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया अपने पास और बुला करके इसको मेला दिखाने के लिए ले गया। दोस्तों मैं इसको ले गया था समझाते हुए कि तू मेरी पत्नी के पास मत आया कर, लेकिन यह मेरा ही उल्टा मजाक उड़ा रहा था। मैं इसको मेला दिखा कर ले आता हूँ और मैंने सोच लिया था कि अब ये मानने वाला नहीं है, अब इसको मुझे रास्ते से ही हटाना पड़ेगा। जैसे ही हम मेला देख कर वापस आ रहे थे तो मैंने चाकुओं से इसकी गर्दन पर वार करना प्रारंभ कर दिया और मैंने इसको जान से मार दिया, मार करके वहीं रास्ते में छोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो जाती हैं। पुलिस नीतीश को जेल में भेज देती है, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना से, क्या नीतीश ने सही किया? यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई नीतीश ने सही किया या गलत किया, जो भी है, तो आपकी नज़र में क्या है, नीतीश सही है या गलत है? क्या यहाँ पे जो वो लड़का था जिसका नाम सूरज था वह सही था या गलत था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों हमारे नए चैनल तिरछी बात पलवल को भी सपोर्ट करें, उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज भी है तिरछी बात पलवल के नाम से, उसको भी आप फॉलो करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए, रिश्तों को बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।